भूपेंद्र जी और सांसद दुष्यंत जी, अनिता चौधरी जी, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व विधायक सांग सिंह जी, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, प्रधान इटावा के मानवेंद्र सिंह जी, बालेसर के पूर्व प्रधान शिवावर सिंह जी, पूर्व जोधपुर मंडी उपाध्यक्ष सवाई सिंह जी, शेरगढ़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री मेहताब सिंह जी, बालेश्वर के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री चंपालाल जी और राणोसा प्रताप सिंह जी बेलवा और बाबू सिंह साहब और मेरी इतनी सारी माताएं बहनें इकट्ठा हुई हैं, आपको सबको राम राम। माताएं बहनें, आपको जब देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या हो तो ये समझो मैं ही बैठी हूँ। इसलिए इतनी जोरदार ताकत में आप सब महिला यहाँ आई हैं, आपको सबको धन्यवाद। और आपको अकेले को नहीं, ये सब जो बैठे हुए हैं इनको भी मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आप लोगों ने आके हमारा इतना सारा हौसला अफजाई की। मैं 14,000 किलोमीटर हो गए अब मेरे पूरे 14,000 किलोमीटर और करीबन 175 सभाएं, शाम को ही आखिरी जोधपुर की सभा हो जाएगी तो 175 हो जाएंगे, और 175 सभा और 14,000 किलोमीटर में पूरे राजस्थान को नाप लिया, 50 डिग्री में घूम लिए, बरसात जोरदार बरसात के अंदर घूम लिए, भीग भीग के सबको देख लिया, और आज आपके सभा में होते हुए मैं जाऊंगी जोधपुर। और आप मानोगे नहीं कि जो आपकी समस्या यहाँ है वही समस्या उदयपुर की है, वही समस्या आपके अजमेर की, कोटा की, आपके जयपुर की, ऐसा कोई संभाग नहीं, बीकानेर की, सब संभाग की मुसीबत वही है, और वो है कि पेयजल की समस्या, जोरदार पेयजल की समस्या, उसे निदान करने में कांग्रेस बुरी तरह से विफल रही है पूरे राजस्थान के अंदर। मैं देख रही हूँ कि नगर में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई होती है, क्या ये सही है? एक दिन छोड़कर एक दिन आपको सप्लाई पानी सप्लाई मिलती नहीं आता है, तो फिर टैंकर आते हैं, तो टैंकरों से आप लोग अपना वो मजबूरन आप लोग उसको निकालते हो। मैं आपके यहाँ लाइनें भी पुरानी हैं और सड़ी गली हालत में होने की वजह से जो कुछ पानी उस पर से निकलता है वो भी दूषित है, ये मेरे पास रिपोर्ट आई है। और अपने समय में गोपाल सर बालेसर जो पेयजल योजना अपन लोगों ने शुरू की थी, अगर वो पूरी हो जाती तो इस इलाके को मीठा और नियमित पानी लग जाता, और मुझे लगता है कि आप लोग उससे बहुत खुश होते, पर ये कांग्रेस सरकार ने कर ही नहीं पाई है। सरकार आने के बाद अपन लोगों को ये सब पानी की जो अधूरी रह गई स्कीम्स इनको अपन पूरा करेंगे, ताकि हमारी माताओं बहनों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप लोगों को पैसे टैंकरों के अंदर खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ये सोच करके ये काम अपन आगे चल के करेंगे। क्षेत्र की अन्य पंचायतों के अंदर हैंडपंप का पानी खारा है, ये सही है क्या? खारा पानी है पूरे इलाके के अंदर, और जलस्तर भी लगातार गिरता जा रहा है, सब दूर है ये बात। और यदि कांग्रेस समय पर काम कर लेती तो मैं समझती हूँ कि पानी का ये बहुत बड़ा संकट जो है वो एक तरफा के लिए निपट जाता। बिजली की स्थिति है माता बहने, आपके लिए मैंने अलग से लाइन दी थी, आपको 24 घंटे बिजली मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। मेरे पास ये आया है कि जो बिजली की घर की बिजली है जिसकी लाइन पहली दफा राजस्थान के इतिहास में मैंने निकाल के इनको दी, और इसलिए दी कि बच्चों की पढ़ाई भी हो सके, ये सब सोच करके दी, और मैं जाते जाते 18 से 20 घंटे बिजली आपको दे रही थी, परंतु अब मैं आपको कह रही हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी आपको 24 घंटे बिजली देने का काम मैं करूंगी, तो घर में आपको बिजली जरूर देगी, जरूर मैं आपको बता रही हूँ, निकाल के दूंगी। 18 घंटे 20 घंटे अगर इतने साल बाद पहली दफा हम लोग कर सके तो आने वाले समय में क्यों नहीं करेंगे, चिंता मत करो। आपके किसानों की चिंता है मुझे, क्योंकि किसानों के मैं देख रही हूँ 3-3.5 घंटे बिजली मिलती है, उससे ज्यादा मिलती नहीं है, और आती है जाती है आप लोग बहुत उससे परेशान है, क्या ये सही है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालेसर कनिष्ठ विशेषज्ञ बने जूनियर स्पेशलिस्ट 6 पद हैं और कार्यरत 1 डॉक्टर, तो आप लोगों की तो बड़ी जोरदार मुफ्त जांच हो रही होगी और मुफ्त दवाई मिल रही होगी, तो 1 डॉक्टर के भरोसे हो पूरे के पूरे तो आराम से मिल ही रहा होगा। दिल्ली के अंदर जयपुर के अंदर जब मैं पूछती हूँ
तो कहते हैं कि ऐसी जोरदार स्कीम है, ऐसी अच्छी स्कीम है कि सब लोग पूरे इलाके के अंदर खुश हो रहे हैं कि हमको मुफ्त दवाई मिल गई, हमारे मुफ्त जांच हो गई। और मैं जहां गई हूं, जहां मैंने पूछा, सब लोगों ने हाथ ऊपर करके मेरे को जैसे आपने कहा वैसे कहा कि कोई मुफ्त जांच का सवाल ही नहीं है। एक डॉक्टर मुश्किल से अपने अस्पताल में बैठा है, वो क्या करेगा, दवाई भी लिखेगा, जांच भी करेगा, सब कुछ करेगा, क्या तो नहीं हो सकता। रेडियोग्राफर नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, सब पोस्ट खाली और ईसीजी करने वाला कोई नहीं। माने ये अस्पताल एक हिसाब से ठप बैठा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी आपका हमारे से बिल्कुल ही बेहाल। सरकार ने स्कूल तो प्रमोनित कर दे परंतु शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की, और करेंगे कैसे कि हमारे बच्चों को, मैंने अपने टाइम में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी थी। अब आप पूछो बच्चों को तो सबसे पहले वो जाके उलझते हैं टेट में। मैं सबको कह दिया कि टेट की नई परीक्षा आई है उसका प्रबंधन अपन करेंगे और फिर वापस जाके आरपीएससी के द्वारा जिस तरीके से हम लोगों ने पहले आप लोगों को नौकरियां दिलवाने का काम किया था वैसे करेंगे। दोनों चीज, क्योंकि मैं मानती हूँ आपने अखबार देखा होगा कि 2000 पटवारी के पद थे, तो 2000 पटवारी के पद के लिए 12000 लोगों ने आवेदन भरा, कितने 12 लाख, थैंक यू 12000 तो कुछ भी नहीं है, 12 लाख। और किस किस ने परीक्षा की, 7.5 लाख लोगों ने की। और वो हमारे सचिवालय के 300 पोस्ट के लिए 3 लाख लोगों ने परीक्षा की। अगर हर साल जिस तरीके से हमने किया था, अगर हर साल इनको नौकरियां मिल जाती तो आज इतना बैकलॉग भी नहीं होता और लोग इतने दुखी भी नहीं होते कि पलायन करना पड़ रहा है, छोड़ छोड़ के जाना पड़ रहा है, फैक्ट्रीज नहीं लग रही। फैक्ट्री लगाने के लिए, व्यवसाय लगाने के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने सारे लोग आए। इसका भ्रष्टाचार देख के, जिस तरीके से राजस्थान की सरकार अब चल रही है देख के सब लोग वापस, उन्हें कह दिया हमको यहाँ आके ये भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना है, ऐसे सरकार के नीचे हम काम नहीं कर सकते, और वो छोड़ छोड़ के सब वापस चले गए। बालेश्वर क्षेत्र के अंदर आपके राजस्व गांव को लिंक सड़क से जोड़ने का काम खूब हुआ था अपने टाइम में। इसके बाद कांग्रेस भी आई तो नई सड़क तो बनाना दूर, जो पुरानी है उनको आप मरम्मत नहीं कर सके, ये हालत है। मैं तो देख रही हूँ आगे आगे सड़क बन रही है, पीछे पीछे सड़क घटती जा रही। और लोगों ने मुझे ये कह दिया कि मैडम ये आप एक जगह पे टोंक जब जा रही थी तो बहुत अच्छा काला सा डामर दिखा, मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा चलो काम तो हो रहा है। आगे गई तो एक छोटा गड्ढा मिला, मैंने कहा चलो एक छोटा ही गड्ढा है, ज़्यादा नहीं है। आगे गई एक और छोटा गड्ढा, उनने कहा फिर उसके आगे गई तो इतना बड़ा बढ़ता गया। उनने सबने कह दिया अभी बरसात आएगी, जब बरसात के पहले का काम है, बरसात आएगी तो पूरा रोड हट जाएगा, उखड़ जाएगा, और उसके बाद फिर पीडब्ल्यूडी को मौका मिलेगा एक और बनाने के लिए। आपके जेब तो ऐसे बड़े बड़े जेब हैं, इसमें से जितना पैसा निकल रहा है पूरी सरकार को चला रहा है। सोचो उल्टा होना चाहिए कि सरकार जनता के काम को करती है और जनता का काम चलाए, यहाँ तो पूरा उल्टा काम हो रहा है। आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं और सरकार का पूरा भविष्य और सब कुछ संभालने का काम वो जनता की ओर से हो रहा है। अब भ्रष्टाचार के ऊपर अब आई हूँ तो मैं आपको खाली इंगित करना चाहूंगी, मैं बाड़मेर से होते हुए आ रही हूँ, बाड़मेर क्या हाहाकार मचा हुआ है। आप देख लें कि वो लीलाला के अंदर क्या उन्होंने घोषणा कर दी कि यहाँ आपकी रिफाइनरी आएगी। रिफाइनरी के आने से 6 महीने पहले ही जमीन का धंधा चालू हो गया था, कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था, सस्ते दाम में खरीदना, ऊंचे दाम पे बेचना, धंधा जोरदार चल रहा था, पूरी भूमाफिया लगी हुई। सेक्शन 6 सेक्शन 4 दोनों सेक्शन हो गए, मंत्री आया पेट्रोलियम का वहां से, सबको लगा कि हाँ यही लगने वाला है, और फिर एकदम से बदल के पचपदरा पहुंचे। कहने का उनने ये कहा हम लोगों को कि पचपदरा के अंदर तो हमारी खुद की जमीन है इसलिए हमने उसको पचपदरा ले गए। अरे तुम्हारी जमीन थी तो पहले ले जाते ना वहां, आपने जमीन का धंधा बायतू में भी कर लिया और यहाँ पचपदरा में भी जोरदार धंधा कर लिया। और हमारा है घाटे का सौदा, घाटे का सौदा इसलिए कि जब रिफाइनरी लगती है तो रिफाइनरी के पैसे हम नहीं देते, वो देती है केंद्र की सरकार, और चाहे बड़ौदा है चाहे आपकी बठिंडा है, सब दूर केंद्र की सरकार ने पैसे लगाए, बस राजस्थान को छोड़ के, राजस्थान को छोड़ के, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार 4000 करोड़ रुपया हर साल देने वाली है और उसके अंदर वो बिना ब्याज के देने वाली है, तो 60-65 हजार करोड़ रुपया तो हम अपने पैसे देंगे। उसके बाद तेल भी अपना और जमीन भी अपनी, और फैक्ट्री का जो करार हुआ है उस करार के अंदर सिर्फ 25% अपना, इतना सब कुछ करने के बाद। मेरा तो मानना है कि इसको तो उल्टा होना चाहिए था ना, कि 25% उनका होता है, फाइनली तो हमारी पूरी है, जमीन भी हमारी है, पैसा भी हमारा है, तेल भी हमारा है, और हम किसी और को पूरा का पूरा दे रहे हैं, घाटे का सौदा राजस्थान के लिए बना के दे रहे हैं। क्या हो रहा है ये,
रॉबर्ट वाड्रा है, आप लोग सब जानते हो कांग्रेस का दामाद कहा जाता है। उन्होंने तो हाहाकार मचा के रखा बीकानेर के अंदर, 10,000 बीघा, 10,000 बीघा इसके नाम पे चढ़ गई। रूल बदला अशोक गहलोत ने, रूल बदल के, क्योंकि ये रूल जो आपका रूल है उसके हिसाब से इतनी जो भूमि कोई खरीद नहीं सकता, अगर खरीदता है तो किसी काम के लिए खरीदता है, वो लिखता है कि इस काम के लिए दिया गया, उसके लिए सब रूल को तोड़ के और उसको वो जमीन दिलवाई। उसने जमीन सस्ती खरीदी, जोरदार तरीके से बेची और वापस गए अपने आराम से अपने घर पे। और अशोक गहलोत से कोई पूछता है कि रॉबर्ट वाड्रा आ गया गया था, उन्होंने कहा अच्छा हमें तो मालूम नहीं कि वो आए थे। अब बताओ भैया, पूरा दुनिया जानती है, हम लोग सब जानते हैं, पूरे अखबार वाले जानते हैं, सबको मालूम है कि कौन आया, किसने पैसे बनाए और कैसे गया, हमारे मुख्यमंत्री को नहीं मालूम। और ऐसी हो सकती है हिम्मत कि मुख्यमंत्री न जाने कि कांग्रेस पार्टी का दामाद आया है? सोनिया गांधी के सामने क्या होता उसका नतमस्तक, तो उसी के सामने पूरे जू जग जाहिर हो गया है कि भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं है। अरे आपने खानों का तो किस्सा देख लिया, खानों के अंदर पकड़े गए, मैं ये कह रही थी विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं कागज दे दूंगा, इसकी जांच करवाई जाए, ना कागज अभी तक दिए ना जांच करने दिया है, और जल्दी से पट्टे रद्द करवा दिए और कह दिया कि अब तो हमने पट्टे रद्द करवा दिए, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं, मन में भ्रष्टाचार था। अगर आपको लगा कि हमने ये पट्टी हत्या सकते हैं तो हम पट्टी हत्याएंगे, परंतु सरकार को हम लोगों ने करने नहीं दिया। अभी जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आपने देख लिया, आपने ही लोगों को सबको नौकरी लगा दी, जिन्होंने पीएचडी किया हुआ है, जिन्होंने अपने परीक्षाएं की हुई, उनको तो किसी को नहीं मिला, मिला परिवार के लोगों को, और अभी भी वो काबिज है और पढ़ाएंगे जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं तो ये 2-3 बता रही हूँ, पर अब भू माफिया आ गई, शराब माफिया आ गई, पानी माफिया आ गई, खनिज माफिया आ गई, सब दूर माफिया फैली हुई है और वो बैठे हुए हैं, पूरी सरकार कांग्रेस की उसके अंदर लिप्त है और ये पूरी जनता अपने क्षेत्र की जानती है। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, किसान भाई, बिजली के लिए आप लोग तरसते हो, ये सरकार ने ये तय किया था कि किसानों को हम लगातार 8 घंटे बिजली देंगे और पर्याप्त और अच्छी सस्ती बिजली देंगे। सस्ती बिजली भाइयों, 7 दफा तो बिजली के दाम बढ़ गए हैं, सब लोग जानते हैं और कहते रहते हैं कि हमने ये आखिरी बार है, परंतु बढ़ते गए। इस वित्तीय वर्ष में 75,000 कृषि कनेक्शन देने थे आप लोगों को, दिए 13,000। इस वित्तीय वर्ष में 50 गांव को विद्युत करना था, मिले ओनली 8 गांव। इस वित्तीय वर्ष में 20,000 बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देने थे, दिए 6,000। मैंने उनको नहीं, मैं जहां जहां से निकल के आ रही हूँ, सब लोगों ने मेरे से कहा कि हम लोगों ने आवेदन भरा है, हमने अपने पैसे जमा कर दिए हैं, परंतु हमको कहीं भी कनेक्शन देने का नाम न निशान। साल हो गया, 1.5 साल हो गया हम लोगों ने आवेदन भरे हैं, परंतु हमारा नहीं हुआ है काम और कोई सुनने वाला नहीं। जब मैं पूछा, बोला किसके रहे हैं, बच्चों को मैं कह रही हूँ कि अभी आपको रोजगार भत्ता, हम लोगों ने बेरोजगारी का भत्ता हमने शुरू किया था अपने टाइम के अंदर, करीबन 1,38,000 बच्चों को लाभान्वित किया। अब ये सरकार 4 साल तो उसको करा ही नहीं और एकदम से उसको आ गया यार कि बेरोजगारी का भत्ता अगर हम दे देंगे तो हो सकता है कि जवान लोग हमसे जुड़ जाएंगे, दिया अगर मुश्किल से 18,000 अभी तक। और मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव के 4 महीने पहले ये करने का, ये सब काम करने से इनको लग रहा है कि जनता हमारे हाथ में आ जाएगी। जनता तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछ रही है कि ये सब जो आप सौगातें हमको दे रहे हैं, ये आपने 4 साल पहले क्यों नहीं दिए? अगर पेंशन देना था तो अभी क्यों? 4 साल से पेंशन दे देते। मैंने महिलाओं के लिए भामाशाह की योजना बनाई थी, उस भामाशाह की योजना में 1,500 रुपये मिल रहे थे, बैंक अकाउंट खुल रहा था, कार्ड मिल रहा था, कार्ड के ऊपर स्वास्थ्य बीमा 30,000 रुपये का भी था, 200 करोड़ रुपए बैंक में जमा हो गए थे, 800 करोड़ रुपए की पूरी स्कीम थी, सब कुछ तैयार था। उसके अंदर हमारे बीपीएल के परिवार आते, उसमें लघु और सीमांत कृषक आते, उसमें हमारे एससी और एसटी के लोग आते, 50 लाख लोगों का उसका फायदा मिलता, परंतु आपने उसको शुरू नहीं किया, वहीं के वहीं बंद कर दिया। और आप जल्दीबाजी में पेंशन दिलवा रहे हो, किसको दिलवा रहे हो, कैसे दिलवा रहे हो, किसी को नहीं मालूम। पट्टे देने की बात कर दी, कितने जोरदार तरीके से हम पट्टे देंगे, मैं आबू रोड से निकली तो पट्टे की बात क्या, उन्होंने कहा 50-50 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घरों को तो बुलडोज कर दिया है, हमको पट्टे का नाम ना निशान। मैंने कहा भाइयों तुम्हारे लिए नहीं है ये, तो भू माफिया आएगी तुम्हारी जमीन खरीद लेगी, ये तो इन लोगों के बीच का काम लिखा हुआ है अखबार में कि हमने इतना सारा पट्टा खोला। आपके यहाँ है कोई जिसको पट्टे मिले हैं? पट्टे मिले यहाँ किसी को? मिला नहीं, मिला जोधपुर एरिया में, मिला जोधपुर एरिया में नहीं मिला। क्या कह रहे हो मेरा नाम ऐसे होगा, किसी के पास तो होगा, एक दो के पास होगा। अब भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा से मैं निकली तो भीलवाड़ा के लोगों ने मुझे रोक के कहा कि साहब ये चीज बताइए, हम लोग तो 38 पंचायत में से हम लोगों को सिर्फ 11 पंचायत के अंदर
पट्टे का नाम लेके वो कुछ काम कर रहे हैं, पर ये जो वितरण हो रहा है वो रात के 12 बजे और सुबह के 4 बजे के बीच में हो रहा है। केस कर दिया है और उन लोग सब में अभी इस सबको हिला के छोड़ेंगे, वो उन्होंने केस करा हुआ है और कह रहे साहब हमको ये बताओ रात को क्या करते हैं, रात को 12 से 4 बजे तक आप लोगों को तो पट्टे नहीं दे रहे थे, वो किसका कर रहे थे वो तो मैं समझती हूँ माफिया के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता है। नहीं तो जो अगर सामने की बात है तो सामने की बात भरे लोगों के सामने क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कांग्रेस की पुरानी आदत है। आप ये समझ के चलिए कि अगर हमने एक मौका और इनको दे दिया तो राजस्थान का वैसे ही भट्टा बिठा के रख दिया है, राजस्थान को बिल्कुल गत में पहुंचा देंगे, बिल्कुल गत में पहुंचा देंगे। और अब अपने को समय देने की जरूरत नहीं है उनको, अभी आपके कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए। मैंने गांवों से पूछा, मैंने कहा गांव वाले भाइयों आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि रास्ता इतनी खराब है तो जाते क्यों नहीं है कलेक्टर के पास, आपके स्कूल के ऊपर तारे जड़ रहे हैं, आपके स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, बोलते क्यों नहीं है इसके बारे में, बोलते किसके पास जाएं, किसको बोले, हम गए कलेक्टर के पास, हमने हाथ जोड़ा, हमने धरना प्रसाद किया, परंतु हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुनता है। सोच सोचिए जाएंगे यार क्या करेंगे, हल्ला करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। यहाँ 24 घंटे 48 घंटे तो कोई बैठने वाला नहीं है कलेक्टर के सामने। इसलिए मैं कह रही हूँ सब लोगों को, अब यहाँ 11 जुलाई से कर्मचारी लोग बैठे हुए और कर्मचारियों का ये आंदोलन चल रहा है, तो इस कर्मचारी भी तो अपने लोग हैं, माने तो सरकार के लोग हैं, और इनको तो क्या है, आप एक दफा बुला के प्रताड़ित करने के बजाय बुला के बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम क्या है, और क्यों नहीं करते। हमारे सामने कितनी कितनी चीजें आती थी, हम लोग लड़ाई झगड़ा करके नहीं, मैं हमेशा सबको कहती थी भाइयों लड़ाई मत लड़ो, पहले आओ मेरे पास, आओ और देखो, अगर मामला सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुलझ जाता है तो फिर धरना करो, उसके पहले आते ही भिड़ जाना, मेरे से तो भिड़ जाओगे आप लोग, उनके नहीं कोई नहीं बोलता, वो कहते हैं हमारे क्या करें साहब, वो तो सुनने वाले नहीं है, आप तो सुन भी लेते हो उसके आपके सामने हम करते, ये कहते हैं मेरे को। अब मैं आप लोगों को ये कहने आई हूँ भैया, आप तो नहीं देखो, मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पूरी तरह से बर्बादी है, तो यहाँ तो 65 वर्ष निकल गए, हम लोगों के सबका टाइम निकाल दिया, तो 53 साल आपने कांग्रेस को सीधा दिया कि नहीं दिया, दिया ना, राजस्थान के 53 साल अपने कांग्रेस को दिए, आज हालत देख लो। और उधर नरेंद्र मोदी को 15 साल दे दिए ना, 15 साल के अंदर दुनिया के अंदर गुजरात का नाम हो गया, उधर आपने मध्य प्रदेश में 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नाम हो गया, अरे वो ऊंचे तक पहुंच गए, सब लोग कहते हैं कौन से प्रदेश अच्छे हैं, तो प्रदेश आ गए, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, और राजस्थान, राजस्थान बिल्कुल नीचे, कितनी शर्म की बात है। पर मैं कहना चाह रही हूँ भाइयों, ये काम हम लोग अगर चाहते हैं तो मिलकर कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री ने इनको टोका है, प्रधानमंत्री के टोकने के बाद भी नहीं साधे, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री की विकास दर 5% पहुंच गया, 5% पे पहुंच गया, कर क्या रहा है राजस्थान, अब कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोगों को मिलकर एक नया राजस्थान बनाना, इस नए राजस्थान के अंदर हम लोगों के बीच में झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए। मैं अभी देख रही थी आग लगाने का काम, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आग लगाती है बुझाती है, मैं 4-5 महीने से सब लोगों को आगाह कर रही हूँ, भैया झगड़ाने की कोशिश करेंगे आप बातों में मत आना, छोटी छोटी बातों के बीच में आप लोगों को लड़ाई करवाने की कोशिश करेंगे, या इनके कार्यकाल के अंदर 24 तो सांप्रदायिक दंगे हो गए और 80 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटना हो गई। मैं सबको ये कह दिया है कि सब 36 के 36 कौम, सब मजहब साथ में मिलकर चलेंगे, आपके बीच में झगड़ा नहीं होगा तो राजस्थान विकसित होगा, तो राजस्थान हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि एक परिवार जब होता है तो आपकी सड़क इसकी सड़क, आपकी बिजली उनकी बिजली, सब लोगों को तो मिलेगा, और यहाँ तो ये कर रहे हैं कि एक दूसरे से झगड़ा हो जाएगा तो आपके गांव में नहीं तो उसके गांव में भी नहीं, सब पूरा नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, इस राजस्थान को बनाने का काम, नए राजस्थान को बनाने का काम, बुजुर्गों का आशीर्वाद, महिलाओं का साथ, युवा लड़ेंगे मेरे साथ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग सब मिलकर उस नए राजस्थान को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। मेरे लिए आपका प्यार सब कुछ है, हमको अभी तक जो प्यार आपने दिया इस वजह से आज यहाँ तक खड़े हैं, हम तो आपके आभारी हैं ही और हम कर्जदार हैं आपके प्यार के। मैं बार बार ये कहती हूँ कि इस कर्ज को मुझे उतारना पड़ेगा, पूरी पार्टी को उतारना पड़ेगा, वो काम से ही सेवा से ही हम कर पाएंगे, और इसीलिए हम लोग मिल के ये काम करें, इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। आप तैयार हो तो बताओ, हिम्मत है, लड़ने को तैयार है, ये बहुत बड़े लोगों को और वहां से शुरू कर रहे हो जो गढ़ है उनका, इसको गढ़ कहलाते हैं। मैं कह रही हूँ कि जोधपुर से ही हम लोग जीत के निकलेंगे और ये जीत
मेरी अकेली या मेरी पार्टी की नहीं है, जीत आप सबकी होगी, क्योंकि ये जनता की सरकार रहेगी, जनता के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे, जनता को पूछ के हम काम करेंगे। और हमें चाहिए एक ऐसा खुशहाल समृद्ध राजस्थान जिसमें हम सबकी इज्जत बनी रहेगी, हमारी माताओं बहनों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे युवाओं की, और प्यार से अपन राजस्थान बनाएंगे और एक दफा और लोगों को बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं, राजस्थान है ये, राजस्थान का स्वाभिमान और राजस्थान की इज्जत सब लोग जानते हैं। फिर से उसको जगा के राजस्थान को आगे ले जाने का हम सब मिलकर काम करें। मंजूर है? मंजूर है? याद रखना कि मैं 5 महीने की सरकार नहीं चलाने की तैयारी में हूँ, इन्हें आप 5 महीने की सरकार चलाइए, और 5 महीने की सरकार से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें चाहिए 5 साल कार्य योजना के बराबर ऐसी सरकार जो काम करते जाएगी, वादा करते जाएगी, पूछती जाएगी और ठीक करते जाएगी, ऐसी सरकार की हम लोगों को जरूरत है, और ये सरकार हम सब मिलकर करेंगे। तैयार? तैयार है? तो फिर 5 साल के अंदर मैं विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि साथ अगर आप लोग हो तो काया पलट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। पिछले बार 5 साल के अंदर अपन लोगों ने गड्ढे में से बीमारू प्रदेश के नाम से उसको निकाला था, याद है आपको? बीमारू प्रदेश से निकाला था। लोगों ने मेरे को मजाक किया था कि महिलाओं की बिजली आप कैसे दोगे, हो ही नहीं सकता। दे के दिखाया, 20 घंटे दे के दिखाया, और मैं ये कह रही हूँ कि सब काम होंगे परंतु अकेले नहीं, आपके साथ होंगे, आप रहोगे, अपना प्यार देते रहोगे, ये काम करके छोड़ूंगी। और एक जोरदार नारा अपन राजस्थान के लिए देंगे, जय जय राजस्थान। ऐसे नहीं भाइयों, कितनी देर से बैठो, कितनी देर से बैठो, जोर से, मैं 4 घंटे तो आवाज निकालो जी, जोर से, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। सबको सबको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, और इस प्यार के साथ अपन जिएंगे और अपने राजस्थान को बढ़ाएंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है।